तो दोस्तों मैंने जैसा कि वादा किया था कि मैं 2-3 दिन बाद में फिर आऊँगा 200D और D5300 और 5600 का कंपैरिजन लेके, तो आज फिर से तैयार हैं हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं D5300 और 200D का कंपैरिजन, या बताएं दोनों में कि क्या क्या इनमें समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों में जो बराबर फीचर हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि इनमें कंपैरेटिवली बेसिक बराबर क्या है। तो जो पहली चीज निकल के आती है वो है इनका मेगापिक्सल। जो दोनों का ही मेगापिक्सल है वो 24.2 मेगापिक्सल है, 5300 का भी और 200D का भी। उसके अलावा दोनों के बात करें तो सेंसर साइज की, तो दोनों का ही APS-C CMOS सेंसर है, वो भी दोनों का जो DX फॉर्मेट होता है वो दोनों का सेंसर है। दोनों ही फुल HD मूवी रिकॉर्ड करते हैं विद 60p मूवी रिकॉर्डिंग के साथ में। उसके अलावा दोनों में ही स्क्रीन जो दिया गया है वो वेरिएंगल स्क्रीन है। दोनों में ही आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलेगा आपको। दोनों में ही आपको 5 फ्रेम पर सेकेंड की शूटिंग स्पीड मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी होती है। और दोनों का ही बैटरी बैकअप लगभग 600-650 शॉट के आसपास है। 10-20 शॉट का अंतर हो सकता है पर इतना ज़्यादा वो फर्क नहीं करता। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसके लगभग मोटे मोटे जो फीचर हैं लगभग दोनों के बराबर हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो दोनों के बराबर नहीं हैं। कुछ 200D में आपको एडवांस मिलते हैं तो कुछ आपको निकोन D53 में एडवांस मिलते हैं। चलिए उन्हीं जो फीचर हैं उनके ऊपर हम फोकस डालते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम 200D की एडवांटेज की बात करेंगे। नया कैमरा है तो इसमें क्या एडवांटेज आपको मिलेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है 200D की एडवांटेज की आपको मिलती है वो है इसका प्रोसेसर, जो कि DG7 प्रोसेसर है। और जो निकोन में आएगा जो लेटेस्ट प्रोसेसर है DG7, ये कैनन का अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है जो अभी नया प्रोसेसर आया है। निकोन की बात करें तो एक्सपीड फोर इमेज प्रोसेसर आता है। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो एक्सपीड 5 चल रहा है। तो इस टाइप से बात की जाए तो प्रोसेसर निकोन का थोड़ा पुराना है, कैनन ने 200D के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर डाला है। प्लस दोनों की लॉन्चिंग डेट की बात करें तो निकोन D5300 2013 से आ रहा है, मतलब लगभग 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अगर कैनन की बात करें तो 2017 में, अभी ये 2-3 महीने पहले दिवाली से पहले ये लॉन्च हुआ है, मतलब कंपनी ने नया निकाला है। उसके अलावा बात करी जाए तो 200D की एक और एडवांटेज है, एक और क्या है बहुत सारी है वो आगे धीरे धीरे आपको बताता हूँ। ये सबसे कॉम्पैक्ट और अभी तक का लाइटवेट DSLR है कैनन का। जबकि बात करें निकोन के D5300 की, ये थोड़ा बल्की है 200D के कंपेयर में, लगभग 100 ग्राम बल्की आएगा 5300। उसके अलावा बात करें ISO परफॉर्मेंस की, तो जो निकोन का ISO है वो है 100 से 12,800, उसको आप 25,600 तक बढ़ा सकते हो। जबकि जो कैनन का ISO है वो 100 से 25,600 ऑलरेडी है, उसको आप 51,200 तक बढ़ा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है स्टार्टिंग रेंज में आप देख रहे हो उसके लिए। उसके अलावा बात करी जाए तो कैनन में ड्यूल पिक्सल CMOS सेंसर डाला हुआ है, उससे ये बेनिफिट है जब आप मूवी रिकॉर्ड करते हो तो काफ़ी शार्प स्मूथ मूवी बनती है, जो कलर टोन वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। जबकि निकोन में ड्यूल पिक्सल अभी तक निकोन ने किसी कैमरे पर यूज़ नहीं किया है, तो ये एक मूवी में कैनन की एडवांटेज मान सकते हो। प्लस टच स्क्रीन आता है कैनन 200D, निकोन जो है वो टच स्क्रीन नहीं आता। उसके अलावा ब्लूटूथ है 200D में और निकोन में ब्लूटूथ भी नहीं आता है। तो ये 5-6 एडवांटेज की बात करें तो ये 200D में आती है। अब आप सोचेंगे कि फिर तो 200D काफ़ी बेस्ट है, इसी को लेना चाहिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एडवांटेज जो है वो आपको निकोन भी देता है अपने D5300 में कंपेयर के 200D। तो अब शुरू करते हैं निकोन की जो एडवांटेज है वो क्या है वो भी आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ वो बात की जाए वो है सेंसर साइज का। जो निकोन का जो सेंसर आता है वो 24x16mm का DX फॉर्मेट CMOS सेंसर आता है, जबकि कैनन का जो आता है वो 22x15mm का APS-C सेंसर आता है। तो सेंसर साइज की बात करी जाए तो लगभग 1 सेंटीमीटर या मतलब छोटा सा आपका निकोन का सेंसर बड़ा है कंपेयर में कैनन के। जितना ज़्यादा बड़ा सेंसर होता है उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी होती है, ये है। उसके अलावा बात की जाए तो क्रॉप फैक्टर की, तो दोनों के ही क्रॉप सेंसर हैं। जो फुल फ्रेम होता है वो एक्चुअल सेंसर होता है और उससे नीचे APS-C जो होता है वो क्रॉप सेंसर होता है। तो जो क्रॉपिंग जो साइज़ है वो निकोन का 1.5 है,
जबकि कैनन का देखा जाए तो 1.6 है, तो एक्स है तो लगभग 0.1x कैनन का ज़्यादा क्रॉप करता है फाइल को, तो इसमें भी निकोन के एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलने वाली है। उसके अलावा बात की जाए सबसे मेन चीज़ वो है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट पे निकोन आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेज देता है। जो निकोन D5300 में 39 ऑटो फोकस पॉइंट है, जबकि कैनन में आपको ओनली 9 ऑटो फोकस मिलते हैं। जबकि बात की जाए ऑल क्रॉस टाइप की, तो निकोन में 9 ऑल क्रॉस टाइप है, जबकि कैनन में आपको ओनली 1 क्रॉस टाइप मिलता है। तो आप स्पोर्ट फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग, रनिंग सब्जेक्ट कैप्चर करते हैं तो आपको निकोन में एडवांटेज ज़्यादा मिलेगी D5300 में। उसके अलावा बात की जाए GPS की, तो निकोन में GPS सिस्टम दिया गया है, जबकि कैनन में GPS नहीं है। हालांकि GPS का इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा आउटिंग वगैरह करते हैं, जो जीरो टैकिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लास्ट बात की जाए LCD स्क्रीन साइज़ की, जो निकोन का LCD स्क्रीन साइज़ है वो 3.2 है, जबकि कैनन की अगर बात करी जाए कैनन का जो स्क्रीन साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर का मिलेगा। तो इस मामले में भी निकोन का जो LCD स्क्रीन है वो थोड़ा सा कैनन से बड़ा है। तो दोस्तों ये था दोनों का कंपैरिजन। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को शुरू से वापस देख लें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट में करिए, और हम एक और वीडियो लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, 2-4-5 दिन का। तो वो कंपैरिजन कराएंगे हम D200D को 5600 से, कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 200D 5600 के कंपेरेटिव मॉडल है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 5300 के ही कंपेरेटिव मॉडल है। 5600 में आपको और भी बहुत सारी एडवांटेज मिलती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो 4 से 5 दिन में हम लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 4-5 दिन में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।